अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग अदविया मुफ़दा की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्लांट ओरिजिन ड्रग्स अदविया नबातिया पढ़ रहे हैं, इसी में आज हम पढ़ेंगे। हम लोग अलिफ बे पे तीन हम तख्तियाँ पूरी कर चुके हैं और आज हम ते की तख्ती स्टार्ट करने जा रहे हैं। ते में आज हम पहली दवा लेंगे तुर्ब। तुर्ब को रेफेनस सेटाइवस इसका बॉटनिकल नेम है और तुर्ब को जनरली हम लोग मूली के नाम से जानते हैं। तुर्ब के कई मुतरादिफ नाम भी हैं, जैसे इसे अरबी में फजल कहा जाता है, रेडिश इसे इंग्लिश में कहते हैं और उर्दू में हम लोग इसे मूली कहते हैं। तो चलिए इसकी माहियत की बात भी कर लेते हैं। तो मूली से आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे, आप लोग ने मूली खाई भी होगी, इसके पत्ते भी ज़रूर देखे होंगे, इसके पत्तों की सब्ज़ी भी खाई होगी। लेकिन हम जो इसमें यह दवा के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहाँ हम ना मूली के पत्ते इस्तेमाल कर रहे हैं ना मूली हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि मूली के तुख्म हम दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसके पौधे की बात करते हैं तो इसका पौधा बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है, बल्कि इसके पौधे की ऊंचाई 1 से लेकर 2 फीट तक ही होती है और इस पर सफ़ेद रंग के फूल भी आते हैं इसके पौधे में और इसमें फलियां भी लगती हैं। फलियां शायद आप लोगों ने ना देखी हों, इसकी फलियों के अंदर ही इसके तुख्म भरे होते हैं जो कि जिस तरह के सरसों के तुख्म होते हैं उससे थोड़े बड़े होते हैं इसके तुख्म, ये रेडिश कलर के तुख्म होते हैं इसके। और इन तुख्मों के मज़े की बात करें तो इसका मज़ा तल्ख होता है और बहुत तेज़ किस्म का इसका मज़ा होता है। इन्हीं तुख्मों को हम दवा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और जिसको हम तुख्म तुर्ब या बज्रुल फजल भी कहते हैं। बज्र कहा जाता है तुख्म को, फजल हम कहते हैं अरबी में मूली को, इसलिए इसके तुख्मों को बज्रुल फजल कहते हैं। और इसके पूरे पौधे से नमक हासिल किया जाता है। नमक किस तरह हासिल करते हैं तो ये सैदला का पार्ट है, तो इसके पूरे पौधे को हम जला देते हैं। जलाकर इसके पौधे से नमक हासिल किया जाता है, तो इसका नमक और इसके ये जो तुख्म होते हैं इन दोनों को ही हम दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके मिजाज की बात करें तो इसका मिजाज हॉट एंड ड्राई, गर्म खुश्क होता है इसका मिजाज। इसके अफाल हैं मुद्रे बॉल व हैज, इसका मेन एक्शन है, हाजिम होता है ये। कासरे रिया यानी कार्मिनेटिव है, मुखी असर यानी एमिटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है इसके अंदर। अब इसको हम बात करते हैं इसके यूजेस कहाँ हैं, कहाँ कहाँ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने इसके एक्शंस में पढ़ा कि ये मुद्रे बॉलवा हैज है, इसलिए हम इसको एहतपास बॉलवा हैज में इस्तेमाल करेंगे, यानी कि रिटेंशन हो गया, रिटेंशन ऑफ यूरिन है या फिर रिटेंशन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड की कोई कंप्लेंट लेकर आता है हमारे पास, तो हम इसमें तुख्मे फजल यानी कि तुख्मे मूली उसको एडवाइस कर सकते हैं। और इसको हम इस्तिस्खा में यानी कि एसाइटिस में हम इसको इस्तेमाल कराते हैं। एसाइटिस एक कंडीशन होती है, एक बीमारी है जिसमें क्या होता है अबनॉर्मल एकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसमें हमें डायुरेटिक दवाएं देने की ज़रूरत होती है ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है जो अकुमलेट हो गया एबनॉर्मली वो बाहर ज़्यादा से ज़्यादा निकल सके। तो इसके लिए हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है यूनानी में कि हम इसमें तुख्मे तुर्ब हम इस्तेमाल करा सकते हैं, क्योंकि तुख्मे तुर्ब एक अच्छा डायुरेटिक के तौर पर काम करता है। और हमारा थर्ड जो एक्शन है यह खय लाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब आप लोग सोचेंगे खय क्यों लाएंगे मरीज़ को, तो बास कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें वॉमिटिंग इंड्यूस करना पड़ता है हमें, कुछ जैसे मरीज़ ने कोई जहरीली चीज़ खा ली, पॉइजनिंग का केस है या इनडाइजेशन कुछ इस तरह का हो गया जिसमें हमें खय लाने की ज़रूरत होती है ताकि मैदा साफ़ हो जाए, तो इस कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल कराते हैं। मकदार खुराक है इसकी 1 से लेकर 3 ग्राम, इसको हम सफ़ूफ की फॉर्म में पाउडर फॉर्म में हम मरीज़ को 1 से 3 ग्राम की मकदार में इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके अंदर कीमियावी अज्जा केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट पाए जाते हैं, सल्फ़र होता है इसमें, वॉलीटाइल ऑयल पाया जाता है और एक केमिकल कंपोनेंट है इसका मिथाइल मरकैप्टिन ये इसमें पाया जाता है। इसका मुज़िर असर, जैसा कि अभी हमने इसके अफ़ाल में पढ़ा कि मुखी असर एमिटिक प्रॉपर्टी है इसकी, तो एक तरह से हम इसको अफ़ाल में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसे मुखी असर के लिए नहीं बल्कि हम इसे दूसरे एक्शन के लिए मुद्रे बॉल या इसे किसी और डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जाहिर है जो इसका ये मुखी असर है वो तासीर जानबी यानी कि एडवर्स इफ़ेक्ट मुज़िर असर पैदा करेगा। तो इसको खाने से मरीज़ को नौज़िया वॉमिटिंग का एहसास होता है,
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जब मरीज़ को दूसरे एक्शंस के लिए इस्तेमाल करा रहे हैं तो हम इसका मुसले हम साथ में देते हैं। मुसले इसका है, हम इसके साथ में नमक मिला देते हैं, नमक सिया मिला देते हैं या फिर ज़ीरा सिया हम इसमें ऐड कर देते हैं इसके साथ, तो इसका जो मुज़िर असर नौज़िया वोमिटिंग होता है वो सबसाइड हो जाता है, मरीज़ को नौज़िया वोमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी।